हाँ जी मेरे भाइयों, कैसे हो? सभी सब ठीक हो? तो यार आज है ना, अपनों ने बहुत सारी बात कर रही है और मैंने भी आज काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया और है ना एक वीडियो भी नहीं डाली, काफ़ी टाइम ही हो गया यार। ठीक है, काफ़ी दिन ही हो गए, तो वीडियो डालना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आज है ना, क्योंकि यार तलबात की हायरिंग के लिए बहुत बंदे मैसेज कर रहे हैं, कहते यार बता दो भाई, बता दो भाई, बता दो भाई। ठीक है, तो आज वो बताना है यार। एक है ना, दो तीन भाइयों के मैसेज आए हुए थे कि एक दो तीन के तो इंस्टाग्राम पे आए हुए हैं, कहता भाई यार कॉन्ट्रैक्टर सैलरी नहीं दे रहा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर परेशान कर रहा है बहुत, मतलब कि ऑर्डर कम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो हम क्या करें यार, जो नए नए बंदे हैं उनके लिए, तो उनको सबसे पहली बात तो ये यार, जिन भाइयों के मेरे को ऑर्डर कम हो रहे हैं ना यार, ऑर्डर कम हो रहे हैं, ठीक है, उनको मैंने वॉइस पे बताया था। ठीक है, और जो भाई नए आ रहे हैं ना, जो मेरे भाई आ रहे हैं नए, यार तुमको है ना पता नहीं होगा, एक है ना मेरी वीडियो है, वीडियो में देख लेना आप जाके। ठीक है, वरना जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करेगा ना, मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ है, उसके हिसाब से शिफ्ट उठानी है यार। एक क्या करते हो ना, आपकी एक बहुत ही बड़ी गलती है, आप लोग ना क्या संडे की शिफ्ट नहीं उठाते आप, संडे की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे की शिफ्ट उठाना, संडे की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार शिफ्ट उठाना, संडे की, फ्राइडे की और उससे एक पिछले दिन की। ठीक है, तीन दिनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिफ्ट उठाना। अगर आप उन दिनों में शिफ्ट उठाओगे ना तो बेटर रहेगा, और उसमें ना आपको मतलब कि ऑर्डर भी कराते रहेंगे अच्छे से टाइम टू टाइम। तो उस पीरियड की ना मेरे को बताया हुआ है, मेरे को परफॉर्मेंस में जाना है, सबसे पहले परफॉर्मेंस में जाके थोड़ा सा उसको स्लाइड के ऊपर करेंगे ना, तो फिर एक ब्लू कलर में एक लाइन लिखा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, ब्लू बहुत ही ब्लू कलर में लिखाएगा, बहुत ही बड़ा बड़ा लिखाएगा, वो एक ही लाइन आएगा, उस पर क्लिक करोगे ना उसको स्लाइड करना थोड़ा सा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर स्लाइड करोगे नीचे ना तुम्हें शिफ्ट की सिक्वेंस दी हुई होगी, कोई बंदा नहीं बताता, कोई भी बंदा नहीं बताता, वीडियो के अंदर पूरा बताया गया, तो आप वो चेक कर लेना। ठीक है, अच्छे से, पता नहीं मेरा तीसरा पता नहीं चौथा वीडियो है वो। ठीक है, तो वो ना आप चेक कर लेना अच्छे से, वो चेक कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे, और मैंने बता तो दिया परफॉर्मेंस में जाके उसको आप ओपन करोगे, ऊपर में पहले से वो आपका आएगा, वो ये आ गया एक्सेप्टर है आ गया, फिर एक्चुअल हॉर्स आ गया, फिर उसके नीचे आपका वो स्पेशल हॉर्स वगैरह करना अकाउंट होता है, उसके नीचे है एक ब्लू कलर का लाइन। ठीक है, वो अभी मेरे को याद नहीं है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, याद नहीं है अच्छे से तो मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे ना, उस पर क्लिक करते ही आपका वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप है ना उस पर क्लिक करके आप उसको देखो अच्छे से। ठीक है, स्क्रॉल करो, उसको स्क्रॉल करके अपना उसके हिसाब से शिफ्ट उठाओ, बुधवार की, वो बुधवार की, फ्राइडे की और संडे की, ओ सेट फ्राइडे सैटरडे संडे, तीन ये तीनों शिफ्टें उठाओ आप, और उस टाइम पीरियड के बीच की उठाओ, उस टाइम पीरियड के बीच ही उठाओगे ना तो वो स्पेशल हॉर्स में काउंट होगा आपका, कि बंदे के इतने स्पेशल हॉर्स बनते हैं, आप टॉप राइडर की लिस्ट में आओगे। आपको वहाँ पे ना आप जाके चेक करना परफॉर्मेंस के नीचे ना क्लिक करोगे, परफॉर्मेंस में क्लिक करो जहाँ पे स्पेशल हॉर्स लिखा होता है ना, फिर उसके नीचे आप देख लेना, आपको वहाँ पर लिखा आएगा टॉप राइडर कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी यू इन टॉप राइडर कैटेगरी, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा, ये आएगा ना तो भाई ये तभी आएगा जब आप मतलब कि शिफ्टें में उठाई हुई होगी आपकी, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये ध्यान में रखना कि वो काम करो। एक वो कह रहे हैं ना भाई यार हमको काम मतलब राइडर परेशान कर रहा, तो बात मेन यही है कि भाई आपका, आपने बताया था कि 4PL कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो तो मेरी जान अब ऐसे ही करेगा, क्योंकि 4PL वो नहीं कर रहा, मेन तो उसको कर रहा है भाई उसका कॉन्ट्रैक्टर है जो आगे, क्योंकि उसके पास तो आप जो लड़के हो आप 50, 60, 70 बंदे हो उसके पास, उसका किसी बड़ी कंट्री कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो बंदा उसको परेशान कर रहा है तो वो आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, उसका मेन मकसद नहीं है आपको परेशान करना। ठीक है, तो 4PL क्या होता है ना यार, उसको पैसा नहीं देता ऊपर वाला मेन बंदा, ठीक है, वो आपको नहीं देता, फिर ये पंगा पड़ता है मेन, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। ठीक है, करें तो करेंगे आप, कोई इलाज नहीं है आपको, तभी तो बोल रहा हूँ कि 4PL आप मत चुनो, आप जो बेस्ट कंपनी है ना उस जो बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी जीजी हो गया, किंग राइडर हो गया, ठीक है, जोन डिलीवरी सर्विस हो गया, भाई जोन तो कहते हैं तो अच्छा नहीं, वैसे कई लोग तो क्या कह सकते हैं अपने। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना आप उसमें क्या है, राइडर जैसे आप शारजा रहते हो, मुल्क में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप बाहर राइडर से पूछो आपको भाई कौन सी कंपनी को यार आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के नंबर, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर दे दो यार, ठीक है, अच्छा बंदा है क्या, तो वो आपको बता देगा, जाहिर सी बात है कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, वो बिल्कुल अच्छा ही बताएगा। ठीक है, आप उससे पूछ रहे हो, आप दोस्तों से और पूछो, आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब है ना मेन बात ये आती है भाई, ठीक है, सब पहले तो बात तो ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बात मैं पहले बोलता नहीं होता, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके बता दिया कैसे लगे। ठीक है, और जो यार तालाबाद की हायरिंग है ना भाई, मैं गया था, ये देखो मैं अभी, ये फोल्ड भी नहीं हुआ,
ये चेंज करवा के लेके आया था, अभी वॉश करने के बाद फोल्ड होने लग जाएगा। ठीक है, कल की बात है, कल का पहना था, अब आज भी पहने मैंने इसको। ठीक है, तो जो है ना तालाबाद की हायरिंग का मैंने पूछा था भाई, तो तालाबाद की हायरिंग फ़िलहाल में मेरे भाई बंद है यार। ठीक है, सभी के लिए बहुत ही बदल गए कहते होते हैं, बैड न्यूज़ है वैसे तो, फ़िलहाल के अंदर बंद है यार तालाबाद की हायरिंग। ठीक है, मैंने वहाँ पे दो बार गया था, क्योंकि एक बार मेरा लार्ज आ गया था लोअर, तो मैं दूसरी भी दफ़ा भी गया था वहाँ पे। एक दफ़ा गया तभी उन्होंने बोला था, तभी मैंने एक बंदे से पूछा था, इस दफ़ा गया ना मैं दो बंदों से पूछा था, और मेरा जाने का टाइम जो है ना शाम को था यार, 5:30 बजे वो बंद होता है, मैं गया था 4:30 बजे के आसपास। अगर 11-12 बजे पास जाता ना तो मैं एक बात और होता, वो कन्फर्म कर देता। ठीक है, और है ना जैसे कि है ना क्या होता है यार, हायरिंग सिस्टम में एक चक्कर होता है कि जैसे मान लो आप एक मंथ है, एक मंथ में मान लो दुबई के अंदर मान लो 100 ऑर्डर पे 100 बंदे रखे हुए उनके। ठीक है, हर बंदे को एक एक ऑर्डर करवा देना। ठीक है, मतलब कि 20 ऑर्डर करवाने हैं ना, उसको मान आपका एक टारगेट लगाए 100 बंदे 100 ऑर्डर, जैसे ठीक है 20 मतलब कि 200 राइडर रखे तो 200 ऑर्डर पे। ठीक है, मतलब कि ऐसे ऑर्डर होते हैं भी सबको 15-15 16-16 ऑर्डर आ जाए, इतने राइडर दुबई में रखे होते हैं। उनमें क्या होता है यार, देखो कोई टर्मिनेट हो गया, ठीक है, कोई किसी को छुट्टी पे चला गया, कोई इमरजेंसी लीव पे गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कम से कम ऐसे 10 केस तो आते ही होंगे महीने के अंदर। वो 10 केस आते हैं ना, 10 केस के ऊपर क्या होता है ना, जो फिर बंदे बैठे होते हैं ना कॉन्ट्रैक्टरों के पास, उनको लगाया जाता है भाई मेरे, उनके लिए तब उसको उसे अपने हायरिंग ओपन नहीं कह सकते कि भाई हायरिंग ओपन हो गया ये। ठीक है, उसे हायरिंग ओपन नहीं करना होता, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को कहना ही पड़ेगा, भाई मेरे को काम पे लगा। ठीक है, ये होता है। और ना थोड़ा सा कोई डीपली और पूछना चाहता है ना, मैं भी ओपनली यहाँ पे नहीं बोल सकता, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि मेरे को तो लॉस है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल सकता यहाँ पे, कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है ना, ठीक है, कोई होती है अपनी बातें होती हैं यार, जैसे डिलीवरी के अंदर होते हैं ऑर्डर का, कहाँ पे अपने को बैठना चाहिए आपको ऑर्डर मूव होने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसी बातें भी होती हैं ना, तो समझ रहे हो बात को आप ना, तो आप है ना थोड़ा सा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मतलब कि कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं हर बंदे को वॉइस भेजता हूँ पूरा, तो ठीक है वॉइस के अंदर पूरा क्लियर करके भेजता हूँ भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लिया करो यार, फॉलो का कोई चक्कर नहीं है, फॉलोवर अपने से वैसे ही बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करके तो मैं मेरे को एक मैसेज भेज देना बस, ओनली सिर्फ। ठीक है, मैसेज भेजना। ठीक है, मैं मैसेज भेज के आपको सुन के मैं आपको जो जेन्युइन रिप्लाई होगा वो कर दूंगा। और ठीक है, जो कोई भाई इधर ही है ना करामा कुरुमा में है कोई और या कहीं और बैठा है, ठीक, कोई बात नहीं यार, फेस टू फेस मिल लो। ठीक है, जो होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, और अपने से वेयर हाउस इतना दूर नहीं है यार, पता ही है मतलब क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है ना। ठीक है, तो आप मेरे को यार वहाँ पे कांटेक्ट करो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं दे नहीं सकता भाई, क्या है ना ये कंपनी का नंबर है, कल को मैं कंपनी छोड़ूंगा ना तो आप उनको परेशान करोगे। ठीक है, उस पर मैसेज करोगे, तो ये नंबर मैं दे नहीं सकता, ना मैं वीडियो में एड कर सकता। मेरा इंडिया का नंबर है, वो चलता है वैसे, एक सिम था वो बंद हो गया मेरा बाहर रखने की वजह से। ठीक है, क्योंकि हम एक सिंगल सिम फ़ोन है मेरे पास, डबल सिम नहीं है ना, तो करके नहीं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे भाई मैं आपको सभी को फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है। ठीक है भाई मेरे, और ध्यान रखना, और कोई दिक्कत नहीं है। और यार जिधर हायरिंग चल रहा है ना अभी, डिलीवरों के अंदर चल रही है, डिलीवरों के अंदर इंडिया वालों, ठीक है, आप तो मेरे भाई लोगों अपने तो है ना डिलीवरों तैयार बैठे तैयार ले रहे हैं, ठीक है, हायरिंग ओपन है डिलीवरों की, पता ही ना आपको, सभी को पता है। ठीक है, और पता कर लो आप अच्छे से, मैंने तो सुना है ओपन है, मेरे को तो बहुत लोगों ने बता रहे हैं भाई ओपन है, तो अपने लग जाओ भाई वहाँ पे जाके, बेस्ट है डिलीवरी, बहुत ज़्यादा बेस्ट कंपनी है। ठीक है, उसमें सिस्टम एक ही खराब है कि वो शिफ्ट अपने हिसाब से देते हैं, नाइट का देते हैं, डे का देते हैं वो, और लीव अपने हिसाब से देते हैं, तालाबाद में ये नहीं है बस, ये अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, इसमें बात वो है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मेरे को भी जाके सोना है। और ध्यान रखना, और कोई भी किसी को कोई भी यार क्वेश्चन है ना, आप मेरे को सीधा मैसेज करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दे दूंगा, आप मेरे को सीधा कौन वहाँ पे मैसेज करो मेरे को। ठीक है, ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बस, इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे फॉलोवर्स बहुत कम है, वहाँ पे तो बहुत हैं। ठीक है, बस मेरे को 1000 चाहिए फॉलोवर्स एक बार के लिए, मेरे को 1000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फॉलोवर्स। ठीक है, 4000 का पाँच घंटे दे देखो कब पूरा होगा, पर 1000 फॉलोवर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करा करो यार। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।